साल की तरह इस साल भी माह रमजान की नायाब पेशकश जाफरान मताम स्पेशल हलीम खालिस कोटले का गोश्त असली घी व उम्दा आला मसालेदार से तैयार करदा जाफरान मताम स्पेशल हलीम सायफेदारों की पहली पसंद जाफरान स्पेशल हलीम। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:30 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। यह महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे, इन्होंने बताया कि नासिक प्रशासन ने फैसला लिया है वहां लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी और अजान से पहले के 15 मिनट और बाद के 15 मिनट तक कोई दूसरा लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जहां मस्जिद है यानी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। नासिक कमिश्नर के इस ऐलान के बाद सियासी माहौल कैसा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले दीपक पांडे की पूरी बात सुनिए, उन्होंने कहा क्या है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्त को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहां पर अर्ज किया था वो साथ ही में जो मरकज जो समाज है उन नासिक की उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का उसको रिकग्नाइज किया गया है और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:30 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार वहाँ समाप्त होते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत और जो समाज के प्रति जो जवाबदारी है इसकी हम शपथ लेते हैं और इसके तहत सामाजिक सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया है। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति गर्म है, इसकी आंच पूरे देश में फैल रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए, वरना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के शहरों में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। अलीगढ़ वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, लेकिन अब नासिक में मनसे के कार्यकर्ता बिना परमिशन लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं और मस्जिद के पास तो बिल्कुल मनाही है। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे।